YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। तो आज हम लोग यहाँ पर होली कलर्स बनाने वाले हैं, वो भी इको फ्रेंडली होली कलर्स बनाएंगे विदाउट केमिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ कंटेनर। आप कोई भी कंटेनर, कोई भी बाउल या फिर कोई भी प्लेट्स ले सकते हैं जिसमें भी आपको बनाना हो। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स है। आज हम यहाँ पर होली कलर बनाने वाले हैं जिसे हम गुलाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है स्पून मिक्सिंग के लिए। सो लेट्स टेक द टैल्कम पाउडर। सो टैल्कम पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, जो हम फेस पर यूज़ करते हैं लूज पाउडर वही वाला। तो यहाँ पर मैं ईवा का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी, जो भी आपके घर पर, सभी के घर पर फेस पाउडर लूज़ वाला अवेलेबल होता ही है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों प्लेट्स में दो कलर का मैं आज आपको होली कलर बना के बताने वाली हूँ। आप यहाँ पर बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दो कलर बना करके एग्जाम्पल देने वाली हूँ। तो हमने यहाँ पर दो प्लेट्स में टैल्कम पाउडर ले लिया है, फेस पाउडर लूज़ वाला। सो नाउ जो हम लोग किराना स्टोर आप लोगों के आसपास ज़रूर होगा, तो उस किराना स्टोर में फूड कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी फूड कलर ले सकते हैं, रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, एनी कलर यू कैन टेक। सो फूड कलर खाने वाला कलर होता है, तो हम उसे थोड़ा सा ले लेंगे, पिंच भर भी ले सकते हैं, हाफ स्पून भी ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको ज़रूरत हो। और उसमें हमें वाटर डाल करके इस तरीके से मिक्सअप करना है। तो ये हमारा रेडी हो गया लिक्विड फूड कलर। तो अब हम इसे टैल्कम पाउडर में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें एक साथ नहीं डालना है, वरना हमारा पाउडर जो है वो गीला हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे ड्रॉप्स, एंड इस तरीके से मिक्सअप करेंगे। एंड हाथों से फिर हम इसे मिक्सअप करेंगे, बिकॉज हाथों से ना ये ज़्यादा अच्छे से मिक्सअप होता है। तो हम इसे हाथों से मिक्सअप करेंगे, तो इसमें जो कलर है ना वो पूरा अच्छी तरीके से आ जाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि कलर कम है, तो आप और थोड़ा सा लिक्विड कलर उसमें डाल सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लिया है कलर को। तो ये हमारा होली कलर पाउडर रेडी है। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए, हाफ आवर के लिए, सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दीजिएगा धूप में। तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। धूप नहीं हो तो आप पंखे में भी इसे अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद आप इसे जब हाथों से मिक्सअप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं सेकंड कलर। तो सेकंड कलर हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया हुआ है, तो ये भी हमने फूड कलर लिया है। तो फूड कलर में आपको ऑल दी 12 कलर्स अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन वाला फूड कलर ड्राई वाला ही मिक्सअप किया पाउडर में, बट ये देखिए मिक्सअप नहीं हुआ है। इसी कारण से हम यहाँ पर इसमें वाटर मिक्सअप करते हैं, देन हम इसे पाउडर में मिक्स करते हैं। उसका रीज़न यही है, बिकॉज इससे कलर नहीं आता है। तो हम यहाँ पर लिक्विड फॉर्म बनाकर ही पाउडर में मिक्सअप करेंगे, जिससे उसका कलर आए पाउडर में। सो लेट्स मिक्स इट। तो हम यहाँ पर टैल्कम पाउडर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इससे जो इसकी स्मेल है वो बहुत ही प्यारी आती है। बिकॉज ये इसका जो स्मेल है फेस पाउडर का, बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और येलो कलर के लिए आप इको फ्रेंडली कलर, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम हल्दी खाते हैं, हल्दी पाउडर जो सब्जी में डालते हैं, उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हल्दी में आप थोड़ा सा पानी मिक्सअप करिए और उसका येलो कलर बनाइए और फिर उसको पाउडर में मिक्सअप कर दीजिए। तो हमारे यहाँ पर येलो कलर का गुलाल बन करके रेडी हो जाएगा।
ये हो गया हमारा ग्रीन कलर भी रेडी गुलाल का। तो ये हमने यहाँ पर सेम प्रोसेस की है दोनों ही कलर के साथ, आप भी सेम प्रोसेस करिए और इस इको फ्रेंडली विदाउट केमिकल गुलाल को एंजॉय करिए अपने घर पर। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है बहुत ही कम चीज़ों से। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हिट द बेल बटन ऑल्सो। बाय बाय।